है तो आपने देखा कि कितना फेस वॉश करते हैं। अभी हो रहा है 5:30-6 लगभग, मतलब इसके बीच में ही हो रहा है टाइम। तो गाइस आज है चिल्ड्रंस डे, तो आशी की फेवरेट चीज बना रही हूँ। आशी को मैक्रोनी ये सब पसंद है, लंच में टिफिन में ले जाना। तो गाइस बन रही है मैक्रोनी, उसकी फेवरेट, और उसके लिए मैं गिफ्ट भी लाई हूँ सरप्राइज। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसकी नई बॉटल लाई हूँ और न्यू टिफिन। आशी इधर आना, ले ये लंच बॉक्स रख ले और बॉटल रख ले, जरा देख तो आ तो। हैप्पी चिल्ड्रन डे। वाओ कैसा है, बढ़िया लंच हुआ। बड़ी भी है ना, छोटी हो जाती थी ना वो। हाँ, उसमें बहुत कम पानी आता है। हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू। वो पैकेट रखे हैं, वो भी ले आना आज, ठीक है? नहीं यहाँ रखे थे मैंने तो कहीं रखे। अभी हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू। ये वाटर बॉटल दे लिए। थैंक यू। चलो बड़ी भी है और छोटी हो जा रही थी तुम लोगों की बॉटल, इसलिए। तो फ्रेंड्स इनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है और दे देती हूँ इनको ब्रेकफास्ट, और सिंपल सा बनाया है इनके लिए, तो क्योंकि ये सिंपल ही खाते हैं, कहाँ चले गए। पर डिफरेंट स्टाइल का बैग लो तो प्यारा सा आया है, मेरी पसंद की सबसे अच्छी होती है। तो एक चीज बताओ कि देखो, जैसे टीचर्स डे पे ना बच्चे इतना कुछ करते हैं, है टीचर्स के लिए करते हैं ना, तो चिल्ड्रन डे पे टीचर्स क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? हम लोग तो हमारे यहाँ स्पेशल खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, विशेष भोज है उसमें। वो तो उनको रोजी मिलता है, मिड डे मील? नहीं नहीं नहीं, वो मिड डे मील 6 to 8 के बच्चों को मिलता है। आज क्या है कि हमारे यहाँ 300 बच्चे हैं लगभग, 6 to 12 लगभग 300 बच्चे हैं, तो सबको छोले पूड़ी और खीर विशेष भोज कराया जा रहा है। इसके लिए हलवाई रखा गया है, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, खेलकूद गेम्स वगैरह, और साथ में जो है स्वीट्स वगैरह मनाना चाहिए। सभी स्कूल ऐसे ही मनाते हैं, और पहले से भी हम लोग जब छोटे थे तब भी हमारा चिल्ड्रन डे बहुत अच्छे से मनाया जाता था हमारे स्कूलों में, और हमें वो सब यादें आज भी मतलब याद आती है कि हमने भी बचपन बहुत अच्छे से इंजॉय किया है, और चिल्ड्रन डे स्कूल में मनाते थे, टीचर्स डे सभी कुछ बहुत इंजॉय किया करते थे हम भी। 1 hour later क्या हुआ ईजा, सही हो? नहीं हुआ। क्या आज फिर से खराब हो गई तबीयत? आज क्या है बताओ, आज क्या है? सोमवार नहीं, और क्या है? कल बताया ना। हाँ, चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रन डे यार। 1 hour later भाई मैं अभी बाजार जा रही हूँ, गाइस देखते हैं आज क्या शॉपिंग करती हूँ। Few inches later भाई मैं मार्केट आई थी, मुझे बच्चे मिले हैं दो छोटे, तो मैंने इनके लिए गिफ्ट लिए हैं और इनको ड्रेस दे रही हूँ मैं दोनों को। देखिए हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चों, अभी आपको और चीज दिखाई, ठीक है? आपको अभी ड्रेस देती हूँ, किसको आएगा देख लो, दोनों में से देखो किसको आता है वाला ड्रेस, दोनों के आ जाएगा, जिसको आ जाएगा ले लेना। हाँ तुम में से, और ये देखो जीन्स भी है इसके साथ आपके लिए। वहाँ से लोग दिला देंगे तुम्हारी बहन जैन नहीं है कोई बड़ी है छोटी है नहीं सच बताओ बहनों के लिए बड़ी बच्चों के लिए लाई हूँ, अभी तुम इतना ले जा लो, फिर अगली बार मिलोगे अभी तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, ठीक है? खाओगे क्या खाना? ये देखो ये फ्रॉक आ रही है, मैंने तो सोचा था नहीं आएगी, आएगी सुपर आएगी। अच्छा है, अच्छी फ्रॉक मिल गई, क्यों खुश? लगवा देती हूँ, खा लो मन कर रहा है ना, हाँ नीचे बैठ के है ना,
क्यों यहाँ खाने में कोई दिक्कत थोड़ा होगी किसी को, आ जाओ आ जाओ, आओ दो बेड लगा दो, दो प्लेट, हाँ दो हाफ, दो हाफ बेड लगाओ, आओ आओ अंदर आओ, आपके एक हाफ चाउमीन 30, आ जाओ डरो मत भाई, क्या देना है बच्चों को बताइए, मुझे बच्चों को अंदर बिठा दो, क्या मैं दूंगा, वो मोमो दो हाफ मोमो, दो हाफ बैठो बेटा, बाहर बैठो, बाहर कुर्सी पर बैठो, आ जाओ बैठने का है वहां, आ जाओ चलो वहां बैठने का है, वहीं बैठ जाओ, ये यहाँ है देखो आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है यहाँ बैठ के खा लो, दोनों मैं पैसे कटा देती हूँ, सुनो सुनो बच्चों इधर बैठो, आपने नाम तो बताया नहीं, आपने नाम क्या है आपका, ईशाना, इसका बेबी और इसका ईशाना, कितने साल के हो, ये पता नहीं, ये भी पता नहीं, बर्थडे का हमें नहीं पता, मम्मी को, मम्मी को पता है कितने साल के हो, अच्छा पढ़े हो स्कूल, पढ़े हो कभी, कितने तक पढ़ते हो अभी, कौन सी क्लास में हो, एक में पढ़ते हो, और आप, मैं नहीं खाना खिलाती मैम, आंगनवाड़ी, अच्छा स्कूल है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो वहाँ, नहीं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में पढ़ते हो, अच्छा अच्छा आंगनवाड़ी में पढ़ते हो आप, आपकी बहन भाई कितने हैं, मेरी मैं एक भाई है मेरे और तीन बहन है, तीन बहन है, चार बहन है, बड़ी 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 है और मेरा एक भाई है, एक भाई है और चार चार बहन है, बड़ी बड़ी, अच्छा मोमो लग जाए तो मोमो खाओ तुम लोग और चले जाना खाते, ठीक है मोमो इन बच्चों के लिए, ये लेकिन आप लोग बहुत भेदभाव करते हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी में अंदर भी बैठे खाते तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। Few inches later. तो गाइस ऐसा आपने देखा कि कितना भेदभाव करते हैं उन गरीबों के साथ, उनको ना अंदर बैठ के खिला रहे थे वो लोग और बाहर ही उनको टेबल पे बाहर खाना, बाहर खा के उनको फिर मैंने दिया तब खिलाया। Few inches later. तो गाइज मैं आज बाजार गई और मुझे बच्चे मिले, मैं तो सोच रही थी चिल्ड्रन डे है चलो उनको अच्छे से रेस्टोरेंट में ठीक ठाक से मैं बैठा के खिलाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि इतना भेदभाव मैंने सोचा नहीं था कि इतना अपमान करेंगे चिल्ड्रन डे के दिन, बच्चों की ये बेइज्जती और ये अपमान किया जाएगा, मुझे नहीं पता था, उनने बच्चों को अंदर तक नहीं घुसने दिया और बाहर जो लगा था चेयर बेंच टाइप का लगा था और मैंने फिर कहा तो उस पर बैठ के उनको खाना मतलब प्लेटों में भी नहीं डिस्पोजल में उन लोगों के लिए मोमो सर्व किए गए, जबकि पैसे सेम दिए जाते हैं, पैसे सेम दे रहे थे तब भी उनको अंदर बैठ के खाने का अधिकार नहीं है, मतलब जब ये छोटे रेस्टोरेंट वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं गरीबों के साथ तो मतलब सोचिए और जगह क्या हाल होगा, मेरे को तो मतलब सोच के ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, अभी तक मैं कह नहीं सकती कि मुझे क्या फील हो रहा है गाइस, मतलब कि सबसे बड़ा पेन है गरीब होना, अब मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने देखा कि उन गरीबों को पैसे होंगे तब भी वो खा नहीं सकते वहां पे बैठ के, क्योंकि उनको वो बैठ नहीं देते, घुसने नहीं देते, अगर वो पैसा अगर वो इकट्ठा कर भी लेंगे थोड़ा बहुत पैसा, अगर वो चाहेंगे कि वहां बैठ के खाएं तो उनको नहीं खाने दिया जाएगा, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट वो सामान है ही नहीं उनके लिए उनके मन में, जो कि बहुत गलत है, वो भी मन है और वो तो बेचारे छोटे बच्चे थे दोनों, मतलब ज्यादा 10 साल से अंडर 10 ईयर्स होंगे दोनों बच्चे, उनके संग ऐसा उनकी ऐसी इंसल्ट, मतलब बड़ों के साथ तो फिर क्या ही व्यवहार होता होगा गरीबों के साथ, उनको दिक्कत के अंदर बिठाने में, और उसके बाद भी अपनी जो जिस प्लेट में औरों को खिलाते हैं उस प्लेट की बजाय उन्होंने उनको डिस्पोजल में खिलाया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये तरीका उनका। लेट है तो गाइस ये आशी ने आज स्मॉल पिज्जा मंगाया है क्योंकि उसे पता था कि मेरा फास्ट है, सुबह की फरमाइश भी आशी की पूरी हुई, डे में भी इसको इसकी पसंद का खाना मिल गया। हाँ लेट है देखो आज ऐसा हुआ बाजार गई तो दो बच्चे को खाने को कह रहे थे मोमो खिला दो, तो मैंने कहा मोमो खिला देती हूँ और उनको गई लेके अंदर तो उन्होंने अंदर बैठ नहीं दिया उन बच्चों को, अरे ये क्या बात है बताओ, उन्हें ऐसा करना चाहिए था कॉर्नर पे बिठा देते कहीं, नहीं और दिया भी डिस्पोजल में, जबकि उसे पैसे दे रहे हैं तब भी डिस्पोजल में उनको सर्व किया, इतना डिस्क्रिमिनेशन, हाँ इतना ऐसा करना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं करना, और वैसे भी वो तो फिर कमर्शियल है उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, उन्हें तो जितना पे किया जाता है उन्हें तो उन्हें बिठा के खिलाना चाहिए था, चाहे कॉर्नर की सीट पे कह देते चलो यहाँ बैठ के खा लो, उनको भी अच्छा लगता बच्चों को, आज चिल्ड्रन डे था तो मैंने कहा बच्चों को खिला देती हूँ कुछ बांट देती हूँ, बाल दिवस के अवसर पर विशेषकर बच्चों से इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गाइस ये सब, मैंने कहा इनको बताती हूँ। Few inches later.
तो फ्रेंड्स हम वॉक पे आए हुए हैं क्योंकि आज मैं जुम्बा क्लास नहीं गई, फास्ट था तो हमने सोचा, इन्होंने कहा वॉक पे जा रहा हूँ तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी, मैं घर पर क्या करूंगी अकेली, तो मैं भी आ गई साथ में। ये मोबाइल करते रहते हैं लेकिन रास्ते में भी इनसे मना करो तब भी देखो मोबाइल में जुटे हुए हैं 24 घंटा मोबाइल, और मेरे मोबाइल पर नजर रहती है जब मैं करती हूँ तब इनका ध्यान जाता है, मोबाइल करती रहती है कहते हैं। तो गाइस बन चुका है खाना, ये छोले भटूरे बनाए हैं साथ में दही और एक सूखी सब्जी, आई मीन आलू गोभी की सब्जी है, फूल गोभी की सब्जी। Few inches later. तो गाइस आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।